नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्पैड्रा 100 mg टैबलेट का रिव्यू। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्पैड्रा 100 mg टैबलेट जो मार्केट में आती है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किन किन कामों में इस दवाई का इस्तेमाल कराया जाता है, और कैसे इसको लेना है, और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए और किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सारी नॉलेज मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दोस्तों हाँ, सबसे पहले वीडियो को आप स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को प्रेस करने के साथ ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा ना वक्त गवाते हुए रिव्यू को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो स्पैड्रा 100 mg टैबलेट है, ये कौन सी कंपनी बनाती है, इसकी पैकेजिंग क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, इसका साल्ट क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। तो बात करते हैं दोस्तों पैकेजिंग के बारे में। तो स्पेड्रा 100 mg टैबलेट, एक पत्ते में 4 टैबलेट निकलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और ये 100 mg के कंपनी के बारे में, तो दोस्तों ए मेनारिनी फार्मास्यूटिकल्स जो है कंपनी इस दवाई को बनाती है। बात करते हैं इसके साल्ट के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर एवानाफिल 100 mg डाला गया है। और बात करते हैं इसके एमआरपी के बारे में, तो दोस्तों ये 299 रुपए का एक पत्ता आता है, जिसके अंदर 4 टैबलेट निकलती है और एक टैबलेट का प्राइस 75 रुपए है। आप चाहें तो इस दवाई को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलती है, लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर से खरीदेंगे तो आप एक टैबलेट भी खरीद पाएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो आपको पूरा पत्ता खरीदना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कामों में इस दवाई का इस्तेमाल कराया जाता है। दोस्तों अगर आपको ज्यादा समय तक, आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं, आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम है और आपका मन नहीं करता है बिल्कुल भी, और आपके उसमें तनाव भी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा आप जो है सोचते रहते हो कि आखिर कैसे होगा, ये क्या करूं मैं, आजकल बहुत ज्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम है, क्वेरी है, और बहुत ज्यादा लोग जो है परेशान रहते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते हैं, उनका ज्यादा समय तक रुकता नहीं है, साथ ही साथ उनके पार्टनर के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है काफी जो है बिगड़ गई है इसी वजह से, ताकि जो वो सब ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं और उनका मन भी नहीं करता है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, ये सब चीजें आजकल जो है पुरुषों के अंदर आ गई है। तो आप स्पेड्रा 100 mg टैबलेट का इस्तेमाल करें, आपको मात्र एक गोली खानी है और आप देखेंगे आपका टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, आपके साथ आपका जो है जो आपके तनाव में जो कमी है वो भी से जो है आपकी ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ आप काफी वक्त दे पाएंगे, टाइम दे पाएंगे और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। और जो आपका मन नहीं करता है, रूखड़ रहते हैं, मन नहीं करता है, तो वो भी आप इस दवाई को खाने के बाद आपका मन भी करेगा और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक उत्तेजना जाग जाएगी। अब बात करते हैं इस दवाई को खाना कैसे है। दोस्तों सबसे जरूरी बात यही है कि दवाई को यूज कैसे करना है वो आप सबसे पहले जान ले, इसका सही तरीका आपको आना चाहिए कैसे इस दवाई को खाना है। आपको एक टैबलेट लेनी है 1 घंटा पहले, और खाली पेट नहीं लेनी है, कुछ ना कुछ खा रखा हो उसके बाद एक टैबलेट लेनी है, 1 घंटा पहले लेनी है जब आप अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें, उससे 1 घंटा पहले आप इस कर लें, आप उसके बाद देखेंगे इससे आपको ये सारी चीजें जो है आपकी प्रॉब्लम है इससे ठीक हो जाएगी। और आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दवाई को खाने के बाद ड्रिंक वगैरह ना करें, शराब वगैरह ना पिए, अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, ज्यादातर जितनी भी इंग्लिश मेडिसिन आती है, एलोपैथिक मेडिसिन आती है, उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं, तो इस दवाई के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। जैसे कि आपको अगर खाने के बाद मितली आए, जी मचलाने लगे, चक्कर जैसे आने लगे, सर में दर्द होने लगे, उल्टी जैसा होने लगे, तो समझ जाए कि इससे आपको जो है इस दवाई से आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, दवाई आपको नुकसान कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आगे से दवाई को जो है ना लें, परहेज करें। अब बात कर लेते हैं इस दवाई को किन को खाना चाहिए, किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर बीमारी चल रही है, जिनका कोई इलाज चल रहा है, पहले से कोई दवाई चल रही है, तो वो लोग इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। हार्ट के पेशेंट जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, और 18 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बाकी जो लोग हैं इसका
फिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यूज करें, आप जो है इसका रिजल्ट देखें, काफी पावरफुल मेडिसिन है, रिजल्ट काफी अच्छा है इसका। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो से जो है सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैंने कंप्लीट आपको सब कुछ बताया है, कैसे खाना है, किन किन लोगों को खाना है, क्या क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ कंप्लीट आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। दोस्तों फिर भी आपको कुछ पूछना है, आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ, जल्दी रिप्लाई देता हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो देख लें, आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।